A very warm welcome to you all in my YouTube channel Deepest Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 10th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. Class 10th का हम लोग जो second chapter study कर रहे हैं physics में that is lenses. और लास्ट की क्लास में हमने इमेज फॉर्मेशन के जो रूल्स वगैरह होते हैं उनको डिस्कस किया था, कितने टाइप के इमेजेस होती हैं उनके बारे में स्टडी किया था. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज. कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे कि हमने मिरर वाले केस में पढ़ा था कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में मतलब किस टाइप से इमेज का फॉर्मेशन होता है, वैसे ही आज हम लेंसेज में स्टडी करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इमेज फॉर्मेशन. सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंसेज के बारे में डिस्कस करेंगे. अब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, सबको पता है. इस पहला वाला जो हमारा केस में, इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे कहीं रखा हुआ है. जब हमने लास्ट में डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं. कुछ कुछ में कहीं कहीं जगह सी से भी डिनोट इसे किया जाता है, बट बेसिकली हम ओ से कंसिडर करेंगे. यहाँ पे ओ से हमने ऑप्टिकल सेंटर को डिनोट किया है. एफ वन और एफ टू ये हमारे दो फोकस हैं और टू एफ वन टू एफ टू हमारे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिनको हम सी से भी डिनोट कर सकते हैं और टू एफ वन से भी डिनोट कर सकते हैं. तो अब हमारा यहाँ पे है कि ऑब्जेक्ट जब हमारा इन्फिनिटी में रखा है, जब ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी बहुत दूर पे रखा हुआ है तो हम ए बी एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं जो कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस. वन रे विच पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस गोज स्ट्रेट. जो एक रे, हम इसमें देखिए, हमने हमने लास्ट की क्लास में मिरर में भी आपको ये चीज बताई थी कि जब भी दो रे इंटरसेक्ट करेंगी तभी इमेज का फॉर्मेशन होगा. इसीलिए दो रे एसेंशियल होती हैं इमेज के फॉर्मेशन के लिए, इसलिए हम दो रेस कंसीडर करते हैं. अगर हम सिंगल रे कंसीडर करेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि रेज जो हमारी है वो कहीं किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं. वो सिंगल रे है वो कहीं इंटरसेक्शन शो नहीं करेगा, इस वजह से उसमें इमेज फॉर्मेशन हम नहीं पता कर सकते हैं. तो इसलिए इमेज फॉर्मेशन के लिए हम हमेशा दो रेस कंसीडर करते हैं. तो यहाँ पे हम एक रे कंसीडर करेंगे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है. जब हमने रूल्स लास्ट की क्लास में डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो स्ट्रेट अनडेविएटेड पास आउट हो जाती है, कहीं पे भी इसमें कोई भी प्रकार का डेविएशन नहीं होता है. और सेकेंड रे जो हमारी है वो पास कर रही है फोकस से, तो वो फोकस से पास होने के बाद जब ये रिफ्रैक्शन होगा लेंस के थ्रू तो ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. ये भी हमने रूल में एक चीज पढ़ा था कि अगर हमारा फोकस से रे पास हो रही है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है. और ये दोनों ही रेज हमारी किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, फोकस पे. जो इस साइड हमारा फोकस रखा हुआ है इस साइड के फोकस पे दोनों रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं. अब इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि जो हमारी इमेज है वो फोकस पे फॉर्म हो रही है. इट मीन्स मतलब अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहीं इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज हमारी कहाँ फॉर्म होगी, फोकस पे फॉर्म होगी. इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी क्योंकि ये उल्टी इमेज है. रियल इमेज फॉर्म होगी क्योंकि मिरर की फ्रंट में आगे साइड फॉर्म हो रही है, इसलिए रियल होगी. अगर जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड इमेज फॉर्म होती है तो वो हमारी कैसी हो जाती है, वर्चुअल हो जाती है. अब जो कि ये इमेज लेंस के हमारे पीछे फॉर्म हो रही है इसलिए इमेज कैसी हो जाएगी, रियल इमेज हो जाएगी, वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट. अब ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी में रखा है मतलब वो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो अगर हमारी जो इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है वो छोटी साइज की फॉर्म हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट. तो मतलब अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमारी जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म होगी, एट फोकस. तो ये हमारा पहला हो गया. अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे. अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी और 2f के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा है. तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ए बी, जो कि कहाँ है, इन्फिनिटी एंड 2f. यहाँ पे 2f1 है तो ये 2f हम लिख सकते हैं. ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो इन्फिनिटी और 2f के बीच में रखा है. एक रे है जो कि हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्रैक्शन के बाद मैंने आपको रूल्स में बताया था कि वो फोकस से पास होते हुए गुजरेगी. तो वही इसमें दिया हुआ है कि वन रे ए
that is parallel to the principal axis emerges through the focus of the lens after refraction. Next जो ray है वो हमारी optical center से pass हो रही है या undeviated as it is pass out हो जाएगी. The second ray which passes through the optical center O of the lens goes straight undeviated. अब दोनों ही rays ये कहाँ पे हमारी meet कर रही हैं इस point पे जो कि हमारा point किसके किसके बीच में between F and 2F के बीच में है. तो जो हमारी इमेज फॉर्म होगी इस केस में कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और 2F के बीच में रखा है तो इस केस में हमारी जो इमेज है वो फोकस और 2F के बीच में फॉर्म होगी और इन्वर्टेड होगी क्योंकि उल्टी इमेज बन रही है. रियल होगी मिरर के सॉरी लेंस के हमारे ये सामने है इसलिए हमारी ये रियल इमेज होगी और स्मॉल एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट. अब जैसा कि हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा है और जो इमेज हमारी फॉर्म हो रही है वो स्मॉल फॉर्म हो रही है तो कैसी हो जाएगी स्मॉल एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट. तो इस वाले केस में जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और 2F के बीच में रखा है तो कॉन्वेक्स लेंस में जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो F और 2F के बीच में फॉर्म होगी. अब हमारा ऑब्जेक्ट और इस साइड में शिफ्ट होता है और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ प्लेस रखा गया है 2F के पास 2F के ऊपर मतलब ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस आउट है. एक रे जो है वो पास पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस से पास होती भी निकलेगी. दूसरी रे जो है हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास होती भी जाएगी. सेम चीज ये चीज तीनों पॉइंट्स में लिखा है. ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा 2F पे प्लेस्ड है. वन रे ए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इमर्जेस थ्रू द फोकस ऑफ द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन और सेकेंड रे विच पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ द लेंस गोज स्ट्रेट अनडेविएटेड. दोनों ही रेज हमारी कहाँ पे मीट करती हैं 2F पे इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं. मीन्स अगर ऑब्जेक्ट हमारा 2F पे प्लेस आउट है कॉन्वेक्स लेंस के केस में तो हमारी इमेज भी है वो भी 2F पे ही फॉर्म होगी. इस पे हमारी इमेज फॉर्म हो रही है 2F पे इन्वर्टेड है और रियल है और जिस जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी हमारी इमेज भी फॉर्म हो रही है. तो ये हमारी क्या हो जाएगी सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. तो इससे हमारा ये कंक्लूड होता है कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर हमारा ऑब्जेक्ट 2F पे प्लेस आउट है तो वो दूसरे साइड में इमेज जो फॉर्म होगी वो 2F पे ही फॉर्म होगी. इन्वर्टेड और रियल इमेज बनेगी और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी हमारी इमेज का फॉर्मेशन होगा. अब हमारा जो ये वाला केस आता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एफ बिटवीन एफ एंड 2F. जब हमारा ऑब्जेक्ट F और 2F के बीच में रखा है तो ऑब्जेक्ट हमारा है F और 2F के बीच में. ए भी ऑब्जेक्ट है जब एक रे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल है वो फोकस से पास होती हुई निकलेगी. सेकेंड रे जो हमारी है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी एज इट इज अनडेविएटेड. वही इसमें लिखा हुआ है ए बी इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2F. वन रे ए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इमर्जेस थ्रू द फोकस ऑफ द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन एंड द सेकेंड रे विच पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ द लेंस गोज स्ट्रेट अनडेविएटेड. अब ये दोनों ही रे कहाँ पे जाके मीट करेंगी बियॉन्ड 2F के मीट करेंगी. तो इसमें जो हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी वो 2F के पीछे हमारी इमेज फॉर्म होगी इस वाले केस में लेंस में हमारे और इन्वर्टेड इमेज होगी मींस उल्टी इमेज है. रियल होगी क्योंकि ये लेंस की हमारी पीछे के साइड पे फॉर्म हो रही है. लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसका जो साइज है वो हमारा लार्जर है. तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो F और 2F के बीच में रखा है तो उस केस में हमारी जो इमेज फॉर्म होगी वो बियॉन्ड 2F होगी. नेक्स्ट है हम और इधर ऑब्जेक्ट शिफ्ट करते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F. तो वन रे ए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इमर्जेस थ्रू द फोकस ऑफ द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन. एक रे जो हमारी पैरेलल है वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास हो जाएगी. सेकेंड रे विच पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ द लेंस गोज स्ट्रेट अनडेविएटेड. और जो सेकेंड हमारी रे है वो हमारी ऑप्टिकल सेंटर से एज इट इज पास हो जाएगी अनडेविएटेड. और दोनों ही रेज हैं वो हमारी आपस में एक दूसरे की पैरेलल हैं इसलिए हम ये कंसीडर करेंगे कि कहीं ये बहुत दूर जाके इन्फिनिटी पे मीट करेंगी. तो इसकी हमारी प्रॉपर्टी बेसिकली ये है कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज हमारी है वो कहीं बहुत दूर इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है. ऑब्वियसली बात है इस प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो ही हमारी फॉर्म हो रही है तो इमेज कैसी होगी इन्वर्टेड इमेज होगी. मिरर के सॉरी अगेन आई सेड मिरर लेंस के हमारे इस साइड पे फॉर्म हो रही है तो ये हमारी कैसी हो जाएगी रियल इमेज हो जाएगी और बहुत ही ज्यादा लार्ज होगी इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो जब हमारा ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के केस में
एफ पे रखा होगा तो इमेज जो हमारी है वो कहीं बहुत दूर इंफिनिटी पे फॉर्म होगी। हमारा जो नेक्स्ट केस आता है, इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा गया है। ए बी इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ एंड ओ, ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में ए बी हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। इसमें भी वही है, वन रे ए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इमर्जेस थ्रू द फोकस ऑफ द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन। जो रे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो हमारी फोकस से पास हो जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद, और सेकेंड रे जो हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है वो एज इफ अनडेविएटेड पास आउट हो जाएगी। अब हम इस केस में इन दोनों ही रेस को जब पीछे बैकवर्ड की डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं तो हम ये चीज देखते हैं, नोटिस करते हैं कि ये किसी एक पॉइंट ए डैश पे जाके मीट कर रही हैं बिहाइंड द लेंस। तो ये कहां मीट करती हैं? बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी के बीच में कहीं पे मीट करती हैं। तो इस वाले केस में हमारी जो इमेज फॉर्म होगी वो 2f और f के सॉरी 2f और इंफिनिटी के बीच में कहीं फॉर्म होगी, और हमारी ये इमेज जो होगी वो इरेक्ट होगी क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से अबव हमारी फॉर्म हो रही है, वर्चुअल होगी क्योंकि लेंस के हमारे जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में इमेज फॉर्म हो रही है, इसलिए हमारी ये वर्चुअल हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसका जो साइज होगा वो बहुत ज्यादा लार्ज है, इसलिए कैसी इमेज होगी? इनलार्ज इमेज हो जाएगी। तो ये हमारे हो गए कॉन्वेक्स लेंस के ऑल केसेस। अब हम कॉनकेव लेंस के केस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें बेसिकली हमारे दो ही केस आते हैं, जैसे कि हमारे मिरर में था, When the object is placed at infinity, जब हमारा object infinity पे कहीं placed होगा तो the rays after diffraction diverges in different direction। तो अगर हमारे principal axis के parallel ये rays इस पे fall out कर रही हैं तो ये diffraction के बाद different different direction में rays हमारी फैल जाएंगी। No real image could be formed, the projected rays meets at the virtual focus of the F and forms a point size image। और जब हम इन rays को पीछे की तरफ extend करेंगे तो हमें ऐसे feel होगा कि कहीं पे focus पे point पे ये सारी rays आके meet कर रही हैं। तो ये हमारी एक तरह से virtual focus पे हमारी इसकी lens में, इस lens में हमारी virtual focus पे image हमारी form होगी, और ये इमेज हमारी कैसी होगी? पॉइंट साइज की इमेज होगी। तो इसकी प्रॉपर्टी में हमारी जो इमेज हो जाएगी वो कहाँ फॉर्म होगी? एफ पे फॉर्म होगी। कैसी इमेज होगी? पॉइंट साइज की इमेज होगी, इरेक्ट होगी, और हमारी वर्चुअल इमेज होगी। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट, अब हमने उस केस में डिस्कस किया कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, अब हम केस में डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर कहीं पे भी प्लेस किया गया है तो एक रे हमारी पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से जो कि हमारी मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएगी। When the ray object is placed anywhere between the infinity and the optical center, image is formed between the optical center and the focus। और दूसरी रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है अनडेविएटेड। अब जब हम इन दोनों ही रेस को, जैसे हमारी ये वाली रे है और जो हमारी ये रे है जो हमारी फोकस सॉरी ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने के बाद ये पास आउट हो गई है डिफरेंट डायरेक्शन में, इस रे को जब हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होगी? एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। यहाँ पे ये सी लिखा है, ये सी नहीं बल्कि आपका ओ होगा जो कि हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। तो यहाँ पे हमारा इस केस में इमेज जो है वो एफ और सी के बीच में फॉर्म होगी। इट मींस दैट अगर हमारा ऑब्जेक्ट कॉनकेव लेंस के केस में इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी रखा है तो हमारी इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो हमेशा हमारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा। जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज फॉर्म हो रही है, इसलिए कैसी होगी? वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में ही फॉर्म हो रही है जैसे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसका जो साइज है वो छोटा है इसलिए स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे सारे केसेस हो गए कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज के इमेज फॉर्मेशन के। तो होप सो आपको सारे केसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर आपको किसी भी केस में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।